नहीं, ऋषभ 5-10 मिनट में घर से जाने वाला है, मुलाकात आज ही हो जानी चाहिए, आप घर आ जाइए। हाँ मैं रात को फोन करने वाली थी लेकिन मौका ही नहीं मिला। क्या कर रही थी तुम फोन पे? एक नंबर ट्राई कर रही थी मुझे। हाँ, और नंबर ट्राई करते वक्त तुम फोन पे बातचीत भी करती हो, हाउ स्ट्रेंज। देखो मेधा, तुम्हारे खामोश रहने से आज मैं चुप नहीं रहूंगा। मेधा, तुम कुछ कहो ना कहो, इस फोन का रीडायल बटन मुझे सब कुछ कहता है। ऋषभ तो हेलो, हाँ कौन सा बोल रहे? एडवोकेट बंसल। एडवोकेट बंसल, चलो तुम्हें ये तो पता चल गया कि मैं किससे बात कर रही थी। अब तुम जो जो जानना चाहते हो वो मैं तुम्हें खुद बता देती हूँ। प्लीज ऋषभ, मैं चोरी छुपे तुम्हारी एक खुशी हासिल करने की कोशिश कर रही थी। एक मिनट, मेरी खुशी? तुम्हारी खुशी। त्यागी को तुम कितना मिस करते हो, उसके केस के लिए तुम कितना परेशान हो, क्या ये मैं नहीं जानती? मैं तुम्हारे पीछे त्यागी के केस की फाइल पढ़ रही थी और जो जो पॉइंट्स मुझे लगे कि उसकी रिहाई के लिए मददगार साबित हो सकते हैं, उन सब के बारे में मैं बंसल से बात करती रही, डिस्कस करती रही। आज उसके केस की आखिरी सुनवाई है इसलिए उसी सिलसिले में उनसे बात कर रही थी। हाँ मैं ये तुम्हें जरूर बता देती लेकिन त्यागी की रिहाई की बात। भाई अब तो लगता है हमारा दोस्त त्यागी बहुत ही जल्द रिहा हो जाएगा। वैसे भी एडवोकेट बंसल की काबिलियत पर हमें पूरा विश्वास था, भाई हम तो ये भूल गए थे कि हमारे घर में मेधा मौजूद है। एडवोकेट मेधा? मेधा मेधा देखो अब ऐसे पीट करके क्यों खड़ी हो, सॉरी मैंने तुम पे शक किया, माफ कर दो ना, माफ कर। मेधा मेधा देखो इस तरह रोगी तो यू नो आई कांट हैंडल दिस यार, मेधा प्लीज मेधा। मैं रो का रही हूँ, मैं तो हंस रही हूँ। अरे लेकिन क्यों? आई कैन नॉट हैंडल दिस, प्लीज मेधा मत रो। एक बात बताइए इसमें हंसने की क्या बात है? तुम मुझे रुलाने की कोशिश कर रहे हो? अरे नहीं मेधा, मेरा मतलब तो ये था कि ऋषभ ये तो कितनी अच्छी बात है, तुमने मुझ पर शक किया तो ये तो पता चल गया कि तुम मेरे लिए कितना पॉजिटिव हो, और फिर तुम मुझे बोल रहे कि तुम मुझसे कितना प्यार भी करते हो, तो और भी अच्छी बात है। ऐसी बातें और भी क्या करो ना। अच्छा अच्छा हाँ मैं कर तो देता हूँ लेकिन फिर ऑफिस कौन जाएगा?